बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स ने ये इच्छा जताई थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ को बड़े पर्दे पर दिखाएं और उनकी लाइफ पर एक बायोपिक बनाएं। सुशांत सिंह की लाइफ पर बेस्ड फिल्म के टाइटल के रजिस्ट्रेशन के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पास कई एप्लीकेशन आए। अब सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत की लाइफ पर उनके पिता की सहमति के बिना कोई भी फिल्म, सीरियल या किताब नहीं लिख सकता है। विकास सिंह ने कहा है कि अगर कोई भी बिना उनकी सहमति के इस प्रोजेक्ट पर काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को मिली एप्लीकेशन में सुशांत, सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत राजपूत बायोग्राफी जैसे टाइटल शामिल है। कई फिल्म एसोसिएशंस ने सुशांत के नाम पर ही टाइटल देने के लिए एप्लीकेशन लगाई। आपको बता दें कि सुशांत की लाइफ पर पहले ही दो फिल्मों का ऐलान हो चुका है, इसे लेकर कास्ट भी फाइनल हो गई है। लेकिन ये दोनों ही फिल्में अभी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने दावा किया था कि सुशांत के जैसे दिखने वाले टिकटॉक स्टार रहे सचिन तिवारी ही फिल्म में सुशांत का किरदार निभाएंगे। एक फिल्म का सुसाइड या मर्डर ए स्टार वॉज लॉस्ट है और दूसरी फिल्म का नाम शशांक है। सुशांत सिंह राजपूत की तरह दिखने वाले और टिकटॉक स्टार सचिन तिवारी का सपना उस वक्त सच हो गया जब उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला। इस फिल्म का नाम सुसाइड या मर्डर अ स्टार वॉज लॉस्ट है। लेकिन फिर इसी बीच सचिन तिवारी ने फिल्म के प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा पर शोषण का आरोप लगाया। सचिन तिवारी का कहना है कि उनका सनोज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। वेल, जहां अब तक सुशांत की डेथ मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, वहीं अब सुशांत के बायोपिक को लेकर भी बवाल मच गया है। देखना होगा कि ये फिल्म बन पाती है या नहीं। वेल, आप लोगों के क्या है रिएक्शंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल बॉलीपीप्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।